आज मैं आप लोगों को दुनिया के दूसरे और तीसरे बहुत ही बड़े क्रूज लाइनर बहरी जहाज दिखाने वाला हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, आप लोगों ने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, जो कि आप लोगों को क्रूज लाइनर के ऊपर बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल देखने को मिल रहे हैं। कि अपने दोस्तों के पास आ गया। अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, गडानी की तरफ निकल रहे हैं। ये फलक शेर भाई है और ये असनैन भाई है। तो हाँ फलक शेर भाई, यहाँ से शहर से कितना टाइम लगेगा हमें गडानी की तरफ? यार भाई तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाएगा हमें, क्योंकि ट्रैफिक भी आजकल कराची के ज्यादा है। तो इसी वजह से बस इंशाल्लाह हम 3 बंदे ही, आगे से कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। कुछ और दोस्त भी है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो अभी हम रास्ते में हैं, फिर इंशाल्लाह इसी तरह रास्ते में जाते जाते हुए लोगों से भी बातें करते रहेंगे। जहाज है तो ये कुछ पुराने हो जाते हैं तो इनको तोड़ देते हैं, सबके इतने ज़्यादा सामान यहाँ पड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये दोनों जहाज़ों को भी तोड़ देंगे। नीचे से ये बहुत ज़्यादा चलते हैं ना पानी में, तो ये ख़राब हो जाते हैं। एक वो भी है, वो भी काफ़ी पुराना हो गया, ये दोनों थोड़े नए हैं। वहाँ पे लिफ्ट नुमा चीज़ की मदद से हमें बहरी जहाज के ऊपर तक पहुँचाया गया। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। से ये शिप के ऊपर पहुंच गए बहरी जहाज। हम इस चीज़ पे आए थे, अभी कुछ लोग वापस इस चीज़ पे नीचे जा रहे हैं। इतना बड़ा है कि बंदा अंदर घूम जाएगा। तो ये बहरी जहाज का अंदर का नज़ारा है। इंशाल्लाह इसका अंदर इतना खूबसूरत है, अंदर की जगह ये बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा ये घर है क्या है बिल्कुल भी। उसके दूसरे साइड पे भी एक बहुत ही बड़ा बहरी जहाज खड़ा हुआ है, ये भी बहुत ही काफी बड़ा सिनेमा भी है। यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 300-400 लोग मज़े से यहाँ पे मूवी देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा सिनेमा हॉल है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहरी जहाज के ऊपर तक पहुँच गए। इतना बड़ा जहाज मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये अजमल भाई है, अजमल भाई का सारा क्रेडिट अजमल भाई को जाता है। तो अजमल भाई हमें लाए हैं यहाँ पे, यहाँ पे बिना परमिशन के नहीं छोड़ते हैं। तो अजमल भाई भी लिया यहाँ पे, और अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे जहाज को। एक्सप्लोर तो मतलब थोड़ा हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही काफ़ी बड़ा है ये। अभी हम यहाँ पे ऊपर ड्रोन शॉट्स लेंगे इंशाल्लाह।
ये बाइस ये 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है। एक्सप्लोर किया है इस शिप को, बेरी जास को बहुत ही मज़ा आए। स्विमिंग पूल, हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे है, बहुत ही प्यारा। आप लोग व्यू देख सकते हो, इतना प्यारा सनसेट हो रहा है, लेकिन हमें किसी काम की वजह से लेट हो रहा है, तो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह किसी और दिन फिर यहाँ पे आएंगे। भाई का कहना है, जो हमें यहाँ पे ये बेरी जास दिखा रहा है, तो ये भाई का कहना है कि ये होटल है और यहाँ पे शादियाल भी मौजूद है। इतना बड़ा यहाँ पे तकरीबन कितने बंदे आ सकते हैं? 500-600 से ज़्यादा बंदे यहाँ पे आ सकते हैं भाई का। और यहाँ पे आप व्यू देख लो, इतना प्यारा व्यू, बहुत ही मज़े का व्यू है ये। शॉर्ट में भी मैंने आप लोगों को एक सिनेमा दिखाया था, एक सिनेमा, तो इसमें भी बहुत सी ज़्यादा लोग आ सकते हैं यहाँ पे। वाओ ग्रेट। तो हम यहाँ मसाज सेंटर पे आए, मैं फ्लैश लाइट लगा लूँगा ताकि आप लोग देख ले, ये बहुत ही बड़ा मसाज सेंटर है यहाँ पे। ये भाई का कहना था कि ये शिप में बेरी जहाज में तकरीबन 1500 से 1600 कमरे हैं, बहुत ज़्यादा हॉल्स मौजूद है यहाँ पे, शादी हॉल और होटल, जिम, मसाज सेंटर, कोई जो सहूलत हो जो ज़मीन पे वो यहाँ पे मौजूद ना हो, यहाँ पे सारा जो सिस्टम है यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे एक और खूबसूरत व्यू, दूसरा शिप उस तरफ है बेरी जहाज, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे लिफ्ट, लिफ्ट तक भी यहाँ मौजूद है लिफ्ट। गए भी इस चीज पे और आए भी इसी चीज पे, शिप से उतर के वापस जा रहे हैं। वो भाई साहब बोल रहे थे कि जिधर वो चौकी जा रहा, वो कह रहे थे कि आप लोग इस कोने से गए, मतलब शॉर्टकट गए, शॉर्टकट घूम के आ गए, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। अगर देखते हो तो एक दो महीना बंदा इधर रहे ना, फिर बंदा हर चीज़ इसका हर कोना कोना देख सकता है।